सोनीपत के लक्ष्मीनगर में एक युवक की पुरानी रंजिश के कारण कसी से हमला कर हत्या कर दी गई। परिजनों ने युवक की हत्या का आरोप 5 लोगों पर लगाया है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सोनीपत के लक्ष्मीनगर निवासी पुनीत की हत्या का मामला सामने आया है। पुनीत के भाई हरिंदर ने बताया कि उसके भाई की हत्या कस्सी से वार करके की गई है। हत्या करने वाले वहीं के रहने वाले हैं। अमित और संदीप नाम के युवकों के साथ पहले झगड़ा हुआ था और उसी रंजिश के चलते पुनीत की हत्या कर दी गई थी। सोनीपत से श्याम सुंदर की रिपोर्ट। ये लक्ष्मीनगर की बात है, वहाँ पे 4-5 मुर्गी थे जिन्होंने वारदात करी, जिसमें से 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, 2 फरार हैं। क्या वारदात सर कैसे की है? ये कस्सी से वार किया, कस्सी से सर को काट दिया। क्या नाम था आपके भाई का? पुनीत। क्या करता था? गाड़ी चलाता था पैदल। ये और क्या क्या नाम है सर, कहाँ के थे ये? ये सारे गड़ी गए हैं, एक तो सचिन है, संदीप और एक अमित उप CM, एक रीना है और अंकित है। कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था पहले इनका? बस वहीं पे इनकी कहा सुनी हुई है मारपीट, जो भी इनका वही थी पहले। अमित और संदीप सचिन सन्नी के साथ पहले से कभी हुआ था, कभी पुराना। मैं घटना मिली थी कि लक्ष्मी नगर में एक मर्डर हो गया है, जिस पे हम मौके पे पहुंचे तो वहाँ पर सोम सिंह ने एक दरखास्त दी है, उसके लड़के का मर्डर हो गया। लड़के का नाम था पुनीत, जिसमें 5 आदमियों के नाम लिखवाए हैं। FIR दर्ज करके ना पोस्टमार्टम करवा दें। इनके आपस में दोस्त थे ये, फिर इनका झगड़ा हुआ था 1 महीने पहले, लेकिन पंचायत में आपस में समझौता हो गया था, उसी रंजिश के तहत जो नहीं।